वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। ओके, टिल नाउ इन जस्ट लास्ट लेक्चर ऑल ऑफ वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग फुल सबट्रैक्टर एंड वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग हाफ सबट्रैक्टर एंड हाफ एडर. Now today all of we are going to discuss our all of we are going to start our discussion regarding full adder and full subtractor. First to tell me what is the difference between full adder and full subtractor. Tell me. Please tell me what is the difference between full subtractor, what is the difference between half subtractor and half adder. Tell me. Bataiye ki half subtractor aur half एडर में क्या डिफरेंस है? एनीवन, कल हमने देखा था कि हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है. बताओ सर. इन हाफ एडर द आउटपुट इज सम एंड कैरी, बट इन हाफ सबट्रैक्टर द आउटपुट इज सबट्रैक्शन एंड बोरो. ओके, वेरी गुड. दिस इज अ सिंगल डिफरेंस. देखो, सबसे पहली बात ये था कि हाँ, उस देखो ये क्या था मेरा कल, ये था मेरा कल हाफ एडर. व्हाट वाज दिस? दिस वाज हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर. ये है मेरा हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर होगा ये मेरा, ठीक है. लेकिन यदि मैं हाफ एडर या हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दो बिट इनपुट करता हूँ और दो ही बिट क्या होती है मेरी, आउटपुट में निकलती है, ठीक है. फर्स्ट बिट पे मैं इनपुट ए देता हूँ, दूसरी बिट पे मैं इनपुट बी देता हूँ और यहाँ पर आउटपुट में मैं निकाल लेता हूँ सम और कैरी सी. बट फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर में काम में लूंगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फुल सबट्रैक्टर के अंदर या फुल एडर के अंदर, दोनों के अंदर ही हम कितने इनपुट देंगे. देर आर थ्री इनपुट्स. कितने इनपुट होंगे यहाँ पर, इसमें तीन इनपुट होंगे. सपोज करो इनपुट, फर्स्ट इनपुट इज ए, सपोज दैट सेकंड इनपुट इज बी एंड सपोज थर्ड इनपुट इज सी. बताओ आउटपुट कितने होंगे इसके, कितने आउटपुट होंगे इसके? टू आउटपुट होंगे. ये देखो, हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर ओनली दो बिट का एडिशन या सबट्रैक्शन करने में कैपेबल था, ठीक है. बट फुल एडर या फुल सबट्रैक्टर तीन बिट्स के का एक साथ ऑपरेशन करने में कैपेबल होते हैं. आउटपुट क्या निकलेगा? सम और कैरी. सम और कैरी, बोथ ऑफ दीज आर आउटपुट, ठीक है. सम क्या होगा? सम क्या होगा? सम जैसे कल आया था सम, वैसे इसका भी सम आएगा. इसका सम होगा ए एक्सोर बी एक्सोर सी. दिस इज द आउटपुट ऑफ फुल एडर. यदि सब फुल सबट्रैक्टर काम में लूंगा तो भी उसका आउटपुट यही आएगा उस डिफरेंस के लिए, सबट्रैक्शन के लिए. एंड इन फुल एडर कैरी विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. दिस विल बी कैरी. देखो इस चीज को हम ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं. देखो ट्रुथ टेबल क्या कह रही है? ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के अंदर कितने इनपुट होंगे? तीन इनपुट होंगे. यस प्लीज रिप्लाई टू मी. कौन बताएगा? शिवांगी आप बताओ सबसे पहले.
Shivangi, can you hear me? Yes, sir. Shivangi, बताइए कि यदि मेरे पास इनपुट तीन है, यदि मैं थ्री इनपुट दे रहा हूँ, तो थ्री इनपुट्स के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, बताओ? सर एट. एट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन है शिवांगी के बाद में? परेशमा शेषमल. परेशमा, आर यू हियर? यस सर. हाँ, तीन इनपुट कौन कौन से होंगे बताइए मेरे को, इसके अंदर तीन इनपुट कौन कौन से आएंगे बताओ? सर फर्स्ट इज 000. 000. देन 001. पहले बीस की बता दो ओनली. परेशमा पहले बी सी बता दो, फिर सी ए बता दो, ना फिर ए बता देना. देखो सबसे पहले आएगा 00, फिर आएगा 01, फिर 10, फिर 10, फिर 11, देन 00, देन अगेन 00, then 01, then 01, then 0. क्या कहा आपने? आपकी आवाज कट रही है परेशमा. सर 10. वहाँ 10 and at last 11. अब a की वैल्यू बताओ. सर 4 times 0 and 4 times 1. वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने. 4 times 0, 4 times 1, ये इनपुट हो गया. परेशमा के बाद में नुपुर चौधरी. कैन यू हियर मी नुपुर? नुपुर? यस सर. सम करो इनका, 000 का सम क्या होगा बताओ? सर 0. देन सर 1. देन वापस से 1. देन 0. देन फटाफट बोलो बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगता है. सर 1. ठीक है, केरी क्या आएगा? लवी. लवी बताओ केरी क्या होगा, कहां कहां पर कितना कितना केरी जनरेट हो रहा है बताओ? केरी कहाँ जनरेट होगा, सिर्फ वो लोकेशन बता दो जहाँ केरी जनरेट हो रहा है. सर इसमें 1 आएगी केरी. और यहाँ पे? सर यहाँ पे 0. यहाँ पे बीच वाले में इसे इसमें 1. हाँ ठीक है, तो ये बना दी मैंने, क्या ट्रुथ टेबल बना दी. अब इस ट्रुथ टेबल के अंदर बताओ मुझे कि ये जो सम वाला पार्ट है ये कौन से लॉजिक गेट की तरह रिएक्ट कर रहा है? कोई भी, एनीवन. एक्सोर की तरह रिएक्ट कर रहा, थ्री इनपुट एक्सोर की तरह रिएक्ट कर रहा. यदि मैं थ्री इनपुट एक्सोर गेट लूंगा तो उसकी ट्रुथ टेबल यही होगी. देखो टू इनपुट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, 0110 होती है. कल भी बताया था मैंने, इसमें ये एक स्टार्टिंग का जो ये इनपुट है 0 है, इसको तो नेगलेक्ट कर लो. 0 इनपुट मतलब कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर आउटपुट क्या आ रहा है, 0110. बट यदि मैं क्या नाम से नेक्स्ट इनपुट लूंगा 1111, यदि ए इनपुट भी दे दूंगा तो सम क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा. दिस इज सम, 0110 1001 इज द सम. ठीक है, ये तो हो गया मेरा सम. एंड केरी की बात करता हूँ मैं, तो
तो देखो फुल एडर के अंदर सम सम क्या आएगा, ए एक जोर बी एक जोर सी आएगा, और केरी केरी क्या आ रहा है, केरी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो केरी यहाँ पे आया, यहाँ पर जो केरी आया इसके लिए एबीसी की वैल्यू लिखो, कौन लिखेगा, हिमांक, हिमांक बताओ, यस सर, जहां पर वन आया है वहां पर एबीसी की वैल्यू बताओ, मुझे केरी लिखना है यहाँ पे, सर ए जीरो बी वन एंड सी वन, नालायक ए जीरो नहीं लिखते इसको, ए बार, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो तो लिखेंगे, ए बार और बी की वैल्यू कितनी है वन, तो उसको लिखूंगा बी, और सी की वैल्यू है वन तो उसको लिखूंगा मैं सी, तो केरी को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बार बी सी, यहाँ पे बताओ आप इस जगह जहाँ पे मैंने गोला किया है, सर ए बी बार सी, ए बी बार सी, बिल्कुल सही, ए बी बार सी इज राइट आंसर, नेक्स्ट वन पे बताओ, सर ए बी सी बार, ए बी सी बार राइट आंसर, लास्ट वन पे भी बताइए, सर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सम तो क्या रहा मेरा, ए एक जोर बी एक जोर सी रहा, ए एक जोर बी एक जोर सी को यदि मैं खोलता हूं तो मेरे पास निकल के आता है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी निकल के आएगा, ठीक है, और ऐसे यदि मैं केरी को सॉल्व करता हूं तो केरी क्या निकल के आता है मेरा, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, जब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं तो मिनिमाइज होने के बाद में मेरे पास निकल के आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो बूलियन एलजेब्रा से मिनिमाइजेशन करूंगा मैं इस वाली टर्म का, इस कंप्लीट टर्म का यदि मैं बूलियन एलजेब्रा से मिनिमाइजेशन करता हूं तो मेरे पास मिनिमाइजेशन के बाद में क्या आएगा, ये निकल के आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल करके आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन इज मतलब समेशन एस इज इक्वल टू, किस टर्म में लिख रहा हूँ मैं, मिन टर्म की फॉर्म में लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूंगा मैं, न्यूमेरिक फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी वन कोमा टू कोमा फोर कोमा सेवन, ठीक है, सिमिलरली केरी को भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा केरी को, क्या लिखूंगा मैं केरी को लिखूंगा समेशन ऑफ एम स्मॉल एम, स्मॉल एम क्यों लिखा, क्योंकि मैं मिनटर्म की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एसओपी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये आएगा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सिक्स कॉमा सेवन, दिस इज केरी इनटू द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, ये इसका डायग्राम हुआ, फुल एडर समझ में आया, अब देखो फुल एडर क्या के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, देखो मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है एक्सोर लॉजिक गेट, एक तो लगा हुआ है मेरे पास एक्सोर लॉजिक गेट, ये रहा मेरे पास एक्सोर, ठीक है, इस एक्सोर के अंदर मैंने क्या किया, दो इनपुट दी मैंने यहाँ पे, यहाँ से तीन कनेक्शन लिए, एक तो लिया एक का एक लिया बी का और एक लिया सी का, ठीक है, तो ये ए की कनेक्टिंग लाइन जा रही है, कनेक्टिंग पाथ आ रहा है, यह ए का, यह बी की कनेक्टिंग लाइन आ रही है और ये सी की कनेक्टिंग लाइन आ रही है, ठीक है, फंक्शन क्या कह रहा है, ए और बी का एक्सोर करो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए का यहाँ पे डॉट लगा रहा हूं मैं, ए का मैंने एक्सोर कर दिया, फिर ए एक्सोर बी बोल रहा था, ए और बी को क्या कर दिया मैंने, एक्सोर का कनेक्शन दे दिया, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए और बी का एक्सोर करने के बाद में जो सी है उसका क्या कर दो, यहाँ पे बबल बनाओ, जो सी है उसको क्या कर दो, उसको भी दे दो आप किसी न किसी एक्सोर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर बनाया फिर से एक एक्सोर, ये एक एक्सोर लॉजिक गेट बनाया मैंने, इस एक्सोर लॉजिक गेट के अंदर मैंने क्या किया, ए और बी के एक्सोर का आउटपुट है वो इनपुट दे दिया और सी का जो कनेक्टिंग पाथ था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया,
तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा था, यहां पर मेरे पास आ रहा था ए एक्सोर बी, और यहां पर मेरे पास तीनों का एक्सोर होकर के आउटपुट में क्या आया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ठीक है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ठीक है, ए बी सी तीन वो हो गए। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये तो मेरा क्या निकल गया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज आवर सम, ये मेरा जो सम है वो यहाँ पर आउटपुट में निकल गया। अब मैं कैरी की बात करता हूँ, कैरी डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन बताएगा, हिमांक के बाद में कौन है, चिराग प्रजापत, चिराग समेशन के लिए मैंने एक्सोर गेट लगाया, सर्किट डिजाइन किया, अब बताओ कैरी के लिए मैं कौन कौन से लॉजिक गेट लगाऊंगा, चिराग प्रजापत, चिराग कैन यू हियर मी, चिराग कैन यू हियर मी, चिराग आर यू अवेलेबल, ये सो जाते हैं नालायक कहीं के, मैंने कल भी डांटा था इनको, जवाब नहीं देते हैं ये, तुम्हारी क्लास की हालत ये है कि मैक्सिमम मेल स्टूडेंट है ना वो मक्कार और नालायक है, और फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी रिप्लाई आते हैं, उनके सवाल होते हैं, उनके जवाब होते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है। चंचल। यस सर। चंचल बताओ कैरी के अंदर कौन कौन से लॉजिक गेट काम में आएंगे? सर एंड एंड और। एंड कितने एंड गेट लगेंगे इसमें देख के बताओ? सर वन। एक एंड गेट क्यों लगेगा, तीन, देखो एक पहला एंड गेट तो लगेगा ए और बी के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, डॉट, ए डॉट बी, तो डॉट मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, एंड गेट से, तो मैंने पहला एंड गेट लगा दिया किसके लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, ये मैंने पहला एंड गेट बना दिया। दूसरा एंड गेट किसके लिए बनेगा, बी और सी के लिए, बी और सी के बीच में भी डॉट मल्टीप्लीकेशन है, और डॉट मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, एंड गेट से होगा, तो मैंने लगा दिया दूसरा एंड गेट। तीसरा एंड गेट किसके लिए बनेगा, सी और ए के लिए, तो सी और ए के बीच में भी डॉट मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने डॉट मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एंड गेट लगा दिया। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, तीन एंड गेट लगा दिए ए और बी के बीच में, तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी के साथ कनेक्शन, ये रहा मेरा बी। ठीक है, फिर मैं एक बात करता हूँ बी सी की, ये मेरा बी है और बी, सॉरी, ये रहा मेरा बी और ये रहा सी, सी का कनेक्शन बी और सी कर दिया। उसके बाद में सी ए, ये सी रहा और सी का ए के साथ कनेक्शन ये कर दिया। ठीक, समझ में आया कनेक्शन? Yes, sir. अब क्या करेंगे, इन तीनों के तीन आउटपुट निकल रहे हैं, इन तीनों के तीन आउटपुट क्या करने हैं मुझे, ऐड करने हैं, तो एडिशन के लिए कौन सा लॉजिक गेट काम में लेते हैं बताओ? और गेट काम में लेते हैं, तो ये रहा मेरा और गेट का सिंबल। ये और गेट का सिंबल है, तो इस और गेट के अंदर मैं क्या करूंगा, तीनों के इनपुट प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रहा मेरा और गेट, ये रहा और गेट, और ये रहा और गेट। ठीक है, तो और गेट के अंदर मैंने तीनों डाल दिए, तो तीनों का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या मिल रहा था, यहाँ पे मेरे को मिल रहा था ए बी, यहाँ पर मेरे को मिल रहा था बी सी, और यहाँ पर मिल रहा था मेरे को सी ए। तीनों के तीनों जब और गेट में एंटर करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ए बी, बाहर निकलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां लिख देता हूं ए बी कैप्स लॉक में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज आवर आउटपुट। यस और नो, समझ में आया नहीं आया? Yes, तो ये किसी है,
वेरी गुड। तो ये रहा मेरा फुल एडर, ये मुझे फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम, ये फुल एडर का सर्किट डायग्राम, ये फुल एडर के आउटपुट सम और के रिगार्डिंग, और ये फुल एडर की ट्रुथ टेबल, ठीक है। अच्छा, अब यदि हमें फुल एडर ना बना करके हमें फुल सबट्रैक्टर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? फुल सबट्रैक्टर के अंदर भी सिमिलरली इसी के जैसे हो जाएगा। क्या होगा फुल सबट्रैक्टर के अंदर? बताओ फुल सबट्रैक्टर के अंदर क्या करेंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा। जवाब दो। फुल एड, जैसे फुल, जैसे हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर में डिफरेंस था, वैसे ही फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर दोनों में भी कुछ डिफरेंस है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बताओ फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तुम लोग एक तो जवाब नहीं देते हो, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी ये है। जैसे तुम्हारे मुंह पे कोई फेविक्यू चिपकी हुई है ना, वैसे देखो पहली बात तो ये कि वो फुल एडर था, ये फुल सबट्रैक्टर है। दूसरा, उसके अंदर सम जनरेट हो रहा था, इसके अंदर डिफरेंस जनरेट होगा, सबट्रैक्शन जनरेट होगा। उसके अंदर, इसमें फुल एडर के अंदर क्या जनरेट हो रहा था? केरी जनरेट हो रहा था। इसमें क्या जनरेट होगा? बोरो जनरेट होगा। ये लो, ये रब कर दिया मैंने। उसमें के अंदर इनपुट, फुल एडर में इनपुट कितने थे? फुल एडर के अंदर इनपुट थे 3। तो फुल सबट्रैक्टर के अंदर भी इनपुट होंगे कितने? 3 इनपुट्स होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। बोरो और डिफरेंस का जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो बताओ बोरो क्या जनरेट होगा? सब्ट्रैक्शन करो ट्रुथ टेबल के अंदर और बताओ मुझे कि ट्रुथ टेबल के अंदर बोरो क्या जनरेट होगा? बताओ, सबसे पहले डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या आएगा? बताओ डिफरेंस क्या आएगा? भाविका मिश्रा, भाविका कैन यू हियर मी? बताओ, सब्ट्रैक्शन करो, इनपुट्स आर 000 0110 आगे 1001, यानी कि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आउटपुट एक्सोर का आउटपुट वही रहेगा। मतलब जो फर्स्ट आउटपुट है, चाहे वो एडर का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, दोनों का जो फर्स्ट आउटपुट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यही ना? यस और नो? यस सर। यस। तो देखो ये है मेरा फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर मैंने 3 इनपुट दिए ABC और आउटपुट जनरेट हुआ मेरा डिफरेंस डी, DIFF भी लिख सकते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में, DIFF डिफरेंस डी। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोरो, बोरो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने BO लिख दिया, ठीक है। आउटपुट वही रहेगा, फर्स्ट आउटपुट 00, मतलब फर्स्ट आउटपुट रहेगा 0110 1001। बोरो के अंदर आउटपुट क्या आएगा? बोरो में बताओ, कौन बताएगा बोरो का आउटपुट? बोरो कहाँ आएगी? सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, सिंपल। देखो 000 का सब्ट्रैक्शन करूंगा क्या आएगा? 0। यहां पर क्या है? 0 में से 0 गया 0, 0 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा सेकंड रो के अंदर, तो कितना बोरो लेना पड़ेगा? 1।
सिमिलरली थर्ड रो में बोरो लेना पड़ेगा वन और फोर्थ रो के अंदर भी लेना पड़ेगा बोरो वन। यहाँ पर बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कितने है? ट्रिपल वन है, ट्रिपल वन है तो यहाँ पर भी बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? Yes, जवाब दो, पड़ेगी ना? Yes, sir. शिवांगी, शिवांगी yes, sir. अच्छा शिवांगी बताओ कि जहां जहां पर वन आ रहा है वहां वहां पर आउटपुट राइट डाउन करो। सबसे पहले ये रहा वन, फर्स्ट वन ये है, यहाँ पर बताओ फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, बुलियन फंक्शन क्या लिखूंगा, एबीसी को इनपुट को क्या लिखूंगा जहां पर वन है बोरो को? ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, वी विल राइट हियर ए बार बी बार सी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या लिखूंगा? ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार लिखूंगा, बिल्कुल सही, ए बार बी और सी बार, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मैं इसमें क्या लिखूंगा? ए बार बी सी, ए बार बी सी, जो अब आगे आ रहा है जीरो, जीरो को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन होता है, जब एलईडी ग्लो कर रही है तभी हम इंडिकेटर लेंगे। लास्ट वाला जो है उसे बताओ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ए बी सी, ए बी सी, वेरी गुड, वेरी नाइस, मतलब आपके सब समझ में आ रहा है। तो बोरो के आउटपुट क्या होंगे, ये तो रहा मेरा डिफरेंस डी और ये रहा मेरा बोरो बी नोट। तो डिफरेंस जो है वो क्या रहा मेरा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी सेम रहेगा, समेशन ऑफ एम वन टू थ्री फोर रहेगा, बट क्या नाम से बोरो क्या रहेगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, इन तीनों इन चारों मिन टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा बोरो, और बोरो का जब मैं मिनिमाइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बताओ? बोरो का जब मैं मिनिमाइजेशन करूंगा तो मेरे पास जो केरी वाली टर्म थी उस केरी वाली टर्म में सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पर ए है उस पे बार लग जाएगा, बाकी सारी की सारी टर्म वही आएगी। समझ में आई मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ बोरो में ए के ऊपर बार लगेगा, ये जो जो हमारी जो टर्म आई है ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ये क्या है मेरा, दिस इज आवर बोरो। इस बोरो को जब मैं बूलियन एलजेब्रा से मिनिमाइज करूंगा तो मिनिमाइजेशन के बाद में मुझे क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार, यानी कि केरी वाला जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जहां जहां पर ए है वहां वहां पर क्या लग जाएगा, बार आ जाएगा, बार आ जाएगा, बार लग जाएगा, ओनली दिस इज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं मिन टर्म्स की फॉर्म में क्या लिखूंगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या लिखूंगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं लिखूंगा इसको, ये आप निकाल के लाएंगे, चलो मैं निकाल देता हूं। देखो ये क्या है, डबल जीरो वन, डबल जीरो वन को मैं बाइनरी में क्या लिखता हूँ, डबल जीरो वन को मैं डेसिमल में क्या लिखता हूँ, ये है जीरो और ये है वन, तो समेशन में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन, ठीक है। ये क्या है, जीरो वन जीरो, तो डेसिमल में जीरो वन जीरो को क्या बोलते हैं बताओ, लगाओ फोर टू वन टू, हाँ या ना? अरे जवाब दो ना। यस सर। अच्छा तो इस वाले यस सर, तो इसको बताओ जीरो वन वन को डेसिमल में क्या लिखूंगा मैं, थ्री लिखेंगे, ठीक है। और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ट्रिपल वन, इसको डेसिमल में, ट्रिपल वन को डेसिमल में क्या लिखते हैं, सेवन, सेवन लिखते हैं, बिल्कुल सही। तो समेशन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ एम वन टू थ्री सेवन, ठीक है, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू वन टू थ्री सेवन आ जाएगा, दिस इज आवर आंसर इन न्यूमेरिकल फॉर्म फॉर द बोरो। अच्छा अब मैं अगली बात करता हूँ किसकी, नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन की, डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सब कुछ ऐसा कैसा रहेगा, बट डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस ये आया कि बोरो के अंदर जो है आउटपुट उसमें ए के ऊपर क्या लगता है, बार लग जाता है, तो बार लगाने के लिए
एक्सोर के अंदर ए यहां से जा रहा है, उसके ए के जाने के बाद यहां पर क्या लगा देंगे हम, एक नॉट गेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहां पर, एक नॉट गेट लगा देंगे। जब मैं यहां पर एक नॉट गेट लगाऊंगा तो नॉट गेट का आउटपुट इसमें जाएगा एंड गेट में, तो यहां पर आएगा आउटपुट ए बार। सिमिलरली जब इस नॉट गेट का आउटपुट इसमें जाएगा तो यहां पर आएगा सी ए बार। तब ये जब ये इसके अंदर और गेट के अंदर इनपुट होगा तो आउटपुट निकल जाएगा ए बार बी प्लस बी सी प्लस सी ए बार। दिस इज आवर बोरो। यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। अरे बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड। तो ये क्या रहा, ये था हमारा फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर। आपको ये फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर जैसे कि मैंने दोनों समझाए, इन तीनों ये जैसा कि मैंने समझाया, इनको आपको घर पे बैठ के एक तो रिवाइज करना है, कोई भी डाउट होगी तो कल की क्लास में मेरे से पूछेंगे, और जैसे आज जवाब दिया वैसे आगे भी कल के लेक्चर में भी मेरे को आंसर्स देंगे, ठीक है। और देयर इज वन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वन क्वेश्चन है आप लोगों का, एक असाइनमेंट है कि आप लोग क्या करेंगे, फुल एडर फुल सबट्रैक्टर हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर इन दोनों को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करके कागज पे बनाएंगे, कागज पे इसका इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके और मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। ये होमवर्क है सबके लिए, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ होमवर्क क्या करना है। आपका होमवर्क है, जैसे मैंने फुल सबट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट किया एक्सोर और एक्सोर गेट के थ्रू, एंड गेट के थ्रू और गेट के थ्रू, मतलब फुल सबट्रैक्टर के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दो तो काम में आते हैं एक्सोर गेट, तीन काम में आते हैं एंड गेट, और एक काम में आता है और गेट, ठीक है। आपने मतलब फुल सबट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट किया दो एक्सोर गेट से, एक और गेट से, तीन एंड गेट से, ठीक है। सिमिलरली आपने नहीं एक एक नॉट गेट भी तो लगाया साथ में, चार लॉजिक गेट काम में लिए, दो एक्सोर गेट एक नैंड गेट, नहीं सॉरी दो एक्सोर गेट एक नॉट गेट एक और गेट और तीन एंड गेट आपने काम में लिए और फुल सबट्रैक्टर बनाया, ठीक है। फुल सबट्रैक्टर आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हेल्प से। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, बोथ द लॉजिक गेट्स आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। That's why all of you have to design full subtractor circuit using NAND gate or NOR gate. यही काम आपको full adder के लिए भी करना है। Full adder की designing के अंदर दो XOR gate काम में आ रहे हैं, तीन AND gate काम में आ रहे हैं, एक OR gate काम में आ रहा है। आपको full adder का भी implementation करना है using only and only NAND gate or NOR gate. Similarly, you have also complete this work using half subtractor and half adder. समझ में आ गई मेरी बात, मेरा क्वेश्चन क्या है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आई मैंने क्या आपको होमवर्क दिया है? होमवर्क समझ में आया सबके? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, आई थिंक नो डाउट। आई एम एंडिंग आवर मीटिंग। यस्टरडे वी विल मीट एट आई थिंक 9:30, नॉट यस्टरडे, टुमारो वी विल मीट एट 9:30। ओके, हैव अ नाइस डे।